एपिसोड 5 में लिंगवे जैसे ही ड्रैगन किंग को टच करती है, ड्रैगन किंग का हार्ट जोर जोर से धड़कने लगता है। लिंगवे से पूछती है कि तुम्हारा हार्ट इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है। तब वो कहता है कि प्ले में बताया गया था कि प्यार में ऐसा ही होता है। इस पर लिंगवे कहती है कि ड्रामा में सब कुछ सच नहीं होता, और फिर वो उसके हाथ से चेस्टनट का पैकेट लेकर आगे बढ़ जाती है। उधर लुफेन पवेलियन में चिंग लुफेन किंग के रूम की सफाई कर रही होती है, तभी उसे चेयर पर लुफेन किंग सोता हुआ दिखाई देता है। उसके पास जाकर वो उसके फेस को टच करती है और कहती है कि इसकी स्किन कितनी अच्छी है, ये बंदा दिखने में जितना हैंडसम है दिल का उतना ही बुरा। अब वो ये सब बोल ही रही थी कि अचानक उसकी आँख खुल जाती है, जिसे देख कर चिंग घबरा जाती है और बहाने बनाकर वहाँ से चली जाती है। जबकि किंग ये सोच रहा होता है कि अभी ड्रीम में जिस लड़की को ग्रीन कपड़ों में देखा था वो कौन है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लिंगवे और युची को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ एक लेडी के हाथ में पेपर फ्लैट देखकर लिंगवे को भी उसे पाने की इच्छा होती है। तब वेटर आकर कहता है कि हमारे यहाँ ड्यूरियन केक का प्रमोशन चल रहा है, अगर आपने ये केक खाए तो आपको भी वैसे ही फ्लावर्स मिल जाएंगे। तब युची नापसंद होते हुए भी सारे ड्यूरियन केक खा लेता है और लिंगवे को फ्लावर्स मिल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कैट को जंगल में छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ लिंगवे अपना पेपर फ्लावर निकाल कर देखने लगती है कि इसे किस तरह बनाया गया है। तभी युची अपने पॉकेट से एक छोटा सा पेपर ड्रैगन निकाल कर उसे देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। और जब युची उसे टच करने जाता है तो वो अपना सर हटा लेती है। इस पर युची उसे कहती है कि मैं जब भी तुम्हारा नाम लेता हूँ मुझे तुम्हें छूने की इच्छा होने लगती है, ये कहकर वो उसके फेस को टच कर लेता है। लेकिन इस बार लिंगवे भी चुपचाप खड़ी रहती है और शायद उसे भी ड्रैगन किंग से प्यार होने लगा था। उधर लुफेन पवेलियन में चिंग सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ से विक्सीन अपनी पूरी टीम के साथ कहीं जा रही होती है। चिंग को लगता है कि अच्छा मौका है, अब मैं विक्सीन के मेकअप से अपने फोरहेड के स्कार को छुपा सकती हूँ, ये सोचकर वो उसके रूम में चली जाती है। इधर लिंगवे और युची वहाँ पहुँच चुके होते हैं, जहाँ से लिंगवे ने कैट को उठाया था, लेकिन अब अंधेरा हो चुका था इसलिए वो लोग रात नहीं बिताने का फैसला करते हैं। लिंगवे अपनी कैट को प्यार से निकालती है और उसे जंगल में छोड़ देती है ताकि वो अपने घर चली जाए, और कैट के जाने के बाद लिंगवे उदास हो जाती है। तब कैट के लिए लिंगवे का अफेक्शन देखकर युची कहता है, अगर तुम्हें ये इतनी पसंद है तो इसे अपने साथ मेंशन ले चलो। इस पर लिंगवे कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर उसे मेरा साथ पसंद होगा तो वो खुद मेरे पास आ जाएगी, वरना उसकी मर्जी कहीं भी जाए। तब ड्रैगन किंग इमोशनल होकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहकर वो अपना हाथ घुमाता है और एक खूबसूरत फ्लावर गार्डन क्रिएट करता है, जहाँ पहुँच कर लिंगवे बहुत खुश होती है और देखती है कि उसके कपड़े भी नए हो चुके हैं। वो हैरानी से युची की तरफ देखती है, जो उसे बताता है कि बुक में लिखा था कि लव प्रपोजल ऐसे ही माहौल में करना चाहिए जो बिल्कुल सपनों की तरह खूबसूरत हो। इसके बाद वो उसके लिए गोल्डन फायर रेन भी करता है, जिससे बहुत ही रोमांटिक एटमोसफेयर क्रिएट होता है। सीन फिर से लुफेन पवेलियन की तरफ चला जाता है, जहाँ चिंग मेकअप करने वाली होती है कि अचानक वहाँ लुफेन किंग आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सुंदर बना सकता हूँ। ये कहकर वो उसे आंखें बंद करने को कहता है और उसके स्कार वाले स्पॉट पर मेकअप कर देता है। फिर वो उससे आंखें खोलने को कहता है, तब चिंग बहुत खुश होती है कि लुफेन किंग ने अपने हाथों से उसके स्कार को रिमूव कर दिया और अब वो ब्यूटीफुल दिखेगी। पर जैसे ही वो मिरर देखती है तो उदास हो जाती है, क्योंकि लुफेन किंग ने उसके स्कार को मिटाया नहीं था बल्कि उसे और भद्दा बना दिया था। वो गुस्सा होकर लुफेन किंग को अपने रूम से बाहर निकाल देती है और सैड होकर बैठ जाती है। तब लुफेन किंग दोबारा अंदर आता है और उससे कहता है कि लास्ट टाइम मुझे गलती हुई थी, इस बार मैं ठीक कर दूंगा। ये कहकर वो दोबारा से उसके फोरहेड पर ब्रश चलाता है, जिससे वो पहले जैसी हो जाती है। इसके बाद लुफेन किंग वहाँ से चला जाता है और चिंग सोचने लगती है कि लुफेन किंग उसे अपना जैसा क्यों लगता है। वहीं दूसरी तरफ लुफेन किंग को भी फील होता है कि ये कोई बर्ड नहीं है बल्कि उससे बढ़कर कुछ और है, पर वो क्या है वो ये नहीं समझ पाता। इधर जंगल में लिंगवे की नींद खुलती है तो वो अपने सामने युची को खड़ा देखती है, तभी उसे वहाँ द लीजेंड ऑफ ड्रैगन बुक दिखाई देता है, जिसे युची उसके लिए लेकर आई थी। लिंगवे इस बुक को देखकर बहुत खुश होती है और युची को बताती है कि इसमें जो ड्रैगन किंग है वो कितना हैंडसम है। इस पर युची कहता है कि क्या वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है। तब वो कहती है कि नहीं, तुमसे ज्यादा तो नहीं, पर जब ये अपने सोल्जर के गेटअप में होता है तो बहुत ज्यादा डैशिंग लगता है। ये सुनकर युची भी सोल्जर के गेटअप में आ जाता है और लिंगवे उसे देखकर हैरान रह जाती है।
वो कहती है कि किंग के रूप में तो वो और भी अच्छा लगता है। तब योची भी किंग के गेटअप में आ जाता है और उसका लुक देखकर लिंगवे का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी योची कहता है कि वो तो सिर्फ एक स्टोरी है, पर मैं तो रियल में किंग हूँ और मैं अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर तुम्हें आसमान की सैर भी करा सकता हूँ। ये कहकर वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और लिंगवे को अपनी पीठ पर बिठाकर आसमान की सैर कराने लगता है। ये सब देखकर लिंगवे खुशी से पागल हो जाती है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि ड्रैगन किंग उसे सिर्फ इसलिए मैरिज करना चाहता है क्योंकि वो उसके एहसानों का बदला चुकाना चाहता था और असल में उसे रियल लव नहीं है, ये सोचकर वो उदास हो जाती है। वहीं उधर लुफेन पवेलियन में चिंग लुफेन किंग से अपनी पनिशमेंट कम कराने की रिक्वेस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है और लुफेन किंग को खबर देता है कि बिक्सिन ने यिन सोल का पता लगा लिया है। ये सुनकर चिंग सोच में पड़ जाती है कि ये यिन सोल आखिर क्या बला है। अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहां एक डिवाइन वॉइस बताता है कि लाखों साल पहले जब इमोर्टल्स और डेविल्स के बीच में वॉर हुआ था, तब एंसिएंट नुआ ने इमोर्टल्स और डेविल्स की पार को मिलाकर यिन स्पिरिट क्रिएट किया था। फिर उस यिन स्पिरिट से एक स्काई नेट बनाया जिसमें सारे एविल स्पिरिट्स को सीज कर लिया गया, लेकिन अब सालों के उलटफेर से स्काई नेट में क्रैक्स आ गए थे और वो लूज भी हो गया था, इसीलिए उसे रिपेयर करने की जरूरत थी और ये काम सिर्फ यिन स्पिरिट सोल ही कर सकती थी। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि लिंगवे ऐसी ही एक यिन स्पिरिट सोल थी और लुफेन किंग सबको बताता है कि जब कोई यिन सोल नेचुरल डेथ मरती है तो स्काई नेट बनाने के लायक नहीं रहती। इस पर बिक्सिन कहती है कि एक्सीडेंट या सुसाइड से मरने पर ही वो हमारे काम आ सकती है और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें जबरदस्ती उसकी सोल निकालनी पड़ेगी। लेकिन तभी लुफेन किंग बताता है कि लिंगवे की मालकिन मरने वाली है। इस पर बिक्सिन लुफेन किंग को बताती है कि लिंगवे ने कसम खाई थी कि जिस दिन उसकी मालकिन मरेगी वो भी उसी दिन मर जाएगी। इस पर लुफेन किंग कहता है कि उस कसम को चार ऑफ ओथ पर लगा दो क्योंकि उस पर लगा हुआ ओथ हर ओथ सच साबित हो जाता है। अब चिंग समझ चुकी थी कि उसकी सेवियर लिंगवे की जान खतरे में है, इसलिए वो तुरंत उसे खबर देने के लिए छटपटाने लगती है, लेकिन उसके पास वेदर नहीं थे कि वो उड़कर जा सकती, इसलिए चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। तभी लुफेन किंग उसे पनिशमेंट के तौर पर एक बाउल कड़वा लिक्विड पीने को कहता है। इस पर वो मुंह बनाकर लिक्विड पीने लगती है और फिर तुरंत वहाँ से चली जाती है। वो सोचने लगती है कि अपने सेवियर लिंगवे को कैसे बचाए। तभी अचानक से उसके फेदर वापस आ जाते हैं जिससे वो बर्ड फॉर्म में आकर वहाँ से उड़ जाती है। इधर योची और लिंगवे मैजिक पेन से हवा में ड्रैगन के पिक बना रहे होते हैं। तभी योची लिंगवे से कहता है कि मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे एहसानों का बदला नहीं चुकाऊंगा। इस पर लिंगवे कहती है कि तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। तभी योची उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे एहसानों का बदला चुकाना चाहता हूँ, बल्कि इसीलिए कि मैं तुम्हें सचमुच में प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिंगवे की मालकिन लियांग टेंपल से वापस लौट रही होती है। तभी अचानक रास्ते में एक वुल्फ डीमन उन पर अटैक कर देता है और वो घायल हो जाती है। जब लिंगवे घर लौटती है तो एक दूसरी सर्वेंट उसे ये सारी बातें बताती है और कहती है कि डॉक्टर ने उसे चेक करने के बाद कहा है कि वो सिर्फ दो दिन ही जिंदा रहेंगी। ये सुनकर लिंगवे दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास जाती है और उसकी हालत देखकर रोने लगती है। ठीक तभी योची वहाँ पहुँच जाता है और उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब वो उसे बताती है कि मेरी मालकिन मरने वाली है पर मैं उसे बचाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मालकिन के लिए एलिक्सर लाकर दे सकते हो ताकि उसे पीकर वो ठीक हो जाए। इस पर योची कहता है कि मैं अभी लेकर आया। ठीक कहकर वो सीधे अपने ड्रैगन लैंड में पहुँच जाता है और इमोर्टल ऑफ फेथ से वो एलिक्सर लेकर आ जाता है और इसे लिंगवे को दे देता है, लेकिन लिंगवे जैसे ही अपने मालकिन को वो मेडिसिन देती है उसकी मालकिन की मौत हो जाती है और उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलकर हेवन में चली जाती है। तब योची कहता है कि इस मेडिसिन से इंजरी ठीक हो सकती है लेकिन लाइफ नहीं मिल सकती। ये सुनकर लिंगवे रोती हुए योची से कहती है कि मेरे मालकिन को किसी तरह जिंदा कर दो। तब वो उसे बताता है कि हाँ मैं उसकी सोल को वापस लेकर आता हूँ और ये कहकर जैसे ही वो लुफेन पवेलियन पहुँचता है तो देखता है कि चिंग भी वहाँ मौजूद है जो उसे कहती है कि लियांग को मरने से बचा लो क्योंकि अगर वो मर गई तो 7 डेज के अंदर लिंगवे भी मर जाएगी। ये सुनकर ड्रैगन किंग वहाँ मौजूद सभी गार्ड से लियांग का सोल रिटर्न करने को कहता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते तो वो सबको मारने लगता है और तभी बिक्सिन और लुफेन किंग वहाँ आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि लियांग का सोल वापस नहीं मिल सकता क्योंकि उसके फेट में मरना लिखा था, लेकिन अगर तुम्हें वो सोल वापस चाहिए तो तुम्हें लियांग से शादी करनी पड़ेगी और 1000 साल तक उसकी रक्षा भी करनी होगी। पहले
तो ड्रैगन किंग लियांग के साथ शादी से इनकार कर देता है, लेकिन लिंगवे की कसम टार ऑफ ओथ पर जा चुकी थी, इसलिए कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसलिए आखिरकार उसे मानना ही पड़ता है और इसी के साथ वो लियांग का सोल लेकर वापस आ जाता है, जिसके बाद लियांग फिर से जिंदा हो जाती है। ये देखकर लिंगवे बहुत खुश होती है और यूची को थैंक्स कहते हुए बताती है कि लियांग मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह है, इसलिए उनकी जान बचाकर तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। इस पर ड्रैगन किंग कहता है कि और कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? तब कहती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपना ध्यान रखना। इस पर ड्रैगन किंग कहता है कि अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से मैं अपना ध्यान खुद रखूंगा, और हो सके तो मुझे भूल जाना, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर लिंगवे उदास हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि मैं इस लायक नहीं हूँ, कहाँ आप ड्रैगन किंग और कहाँ मैं एक मामूली सी मेड। इस पर ड्रैगन किंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लियांग से शादी करनी है। ये सुनकर लिंगवे चौंक जाती है कि लियांग से शादी क्यों करनी है, लेकिन ड्रैगन किंग कहता है कि फिलहाल मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। नेक्स्ट सीन में लिंगवे लियांग को सूप पिलाते हुए उससे पूछती है कि अब आपकी तबीयत कैसी है। इस पर वो कहती है कि ड्रैगन किंग के कारण अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ और बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी ड्रैगन किंग के साथ हो रही है। इस पर लिंगवे कहती है कि हाँ, वो बहुत अच्छे है और आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, कर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिंगवे उस जगह पर जाती है जहाँ ड्रैगन किंग ने उसे मैरिज के लिए प्रपोज किया था और उन दोनों ने साथ मिलकर ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई थी। दुखी मन से वो उस ड्रैगन पेंटिंग को जमीन में दफना देती है। तभी वहाँ यूची भी आ जाता है और वो भी उसे बहुत मिस कर रहा था, लेकिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखकर वो उसे पूछता है कि वेडिंग के टाइम ब्राइड और ग्रूम कैसे कपड़े पहनते हैं। तब वो उसे बताती है कि वेडिंग के दिन ब्राइड और ग्रूम दोनों रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, जो लव का सिंबल माना जाता है। इस पर यूची रेड गेटअप में उसके सामने अपीयर होता है, जिसे लिंगवे देखती रह जाती है और यूची भी उदास मन से वहाँ से चला जाता है। पर तभी लिंगवे को इल्यूजन होता है कि ड्रैगन किंग और लियांग की शादी हो रही है, जहाँ ब्राइड और ग्रूम रेड कपड़े पहने हुए बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे और लिंगवे अपने हाथों से लियांग को सजा रही थी। नेक्स्ट डे लियांग लिंगवे को बताती है कि उसका कजिन जियो एग्जाम देने के लिए यहाँ आया है, पर घोड़े से गिरकर वो इंजर्ड हो गया है और उसकी मदर ने ट्रीटमेंट के लिए उसको अपने यहाँ रखा हुआ है, इसीलिए उसके ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी लिंगवे को दी जाती है। यह सुनकर लिंगवे उसका ट्रीटमेंट करने को तैयार हो जाती है। वहीं लुफेन पवेलियन में इमोर्टल जियांग लुफेन किंग से मिलने के लिए आया होता है, वो उसको एक पेंडेंट देता है। इस पर लुफेन किंग उससे पूछता है कि ये क्या है, तब उसे बताता है कि उसे पहनकर तुम यिन सोल को अपने कब्जे में कर सकते हो, फिर उसे स्काईनेट ठीक करवा सकते हो, लेकिन ये पेंडेंट तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन के लिए है, इसके बाद मैं वापस आकर इसे ले जाऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है। वही उधर लिंगवे को लियांग के कजिन का ट्रीटमेंट करते दिखाया जाता है। वो उसके इंजरीज पर ऑइंटमेंट लगाती है और उसे सूप पीने को देती है, लेकिन दूर खड़ा ड्रैगन किंग ये सब देख रहा होता है और अंदर ही अंदर जल रहा होता है, क्योंकि लिंगवे किसी और को टच करे ये उसे अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ चिंग आ जाती है और यूची उससे पूछता है कि लिंगवे कैसी है। इस पर वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ठीक नहीं दिख रहे, शायद आपको उस दूसरे लड़के को देखकर जेलस फील हो रही है। इस पर ड्रैगन किंग उससे पूछता है कि ये क्या होता है, तब वो उसे बताती है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे अपनी जगह किसी और के साथ खुश होते और बात करते देखकर जो बैड फीलिंग होती है उसी को जेलस कहते हैं। ये सुनकर ड्रैगन किंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ड्रैगन किंग को अपने रूले में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ इमोर्टल ऑफ फेट आ जाता है, जो उसे बताता है कि आने वाले दिनों में शियांगू पर बहुत मुसीबत आने वाली है। एक दूसरे देश का एम्परर शियांगू पर अटैक करेगा और वहाँ के सारे मर्दों को स्लेव बना लेगा और औरतों को वैश्या। जिसे सुनकर ड्रैगन किंग पूछता है कि बाकी लोगों का क्या होगा। तभी मोर्टल ऑफ फेट उससे कहता है कि बाकी जानकारी तुम्हें बुक ऑफ फेट में मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन में शियांगू मेंशन दिखाया जाता है, जहां लियांग के फादर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारा कजिन एग्जाम में पास हो गया तो हम उसकी शादी लिंगवे के साथ करा देंगे। इस पर लियांग कहती है कि मैं इस बारे में लिंगवे से बात करूंगी। नेक्स्ट सीन में लिंगवे जियो को सूप देने के लिए आती है और चिंग ये सब देख कर कि लिंगवे मेड से ज्यादा तो नर्स का काम कर रही है। तभी वहाँ लुफेन किंग आ जाता है, उसे देखकर चिंग भागना चाहती है पर वो उसके पैरों को फ्रीज कर देता है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे जाने दो, तब उसके पैरों को अनफ्रीज कर देता है। तभी चिंग की नज़र उसकी छाती पर पड़ती है, जहाँ वही पेंडेंट लटक रहा था जो इमोर्टल जियांग ने उसे दिया था। चिंग उसके छाती पर हाथ रखकर वो पेंडेंट निकाल लेती है। ठीक तभी ड्रैगन किंग भी वहाँ आ जाता है और वो उस पेंडेंट को ड्रैगन किंग के हवाले कर देती है और कहती है कि तुम सही टाइम पर आए हो। लुफेन
ब्रेन किंग इस पेंडेंट की हेल्प से लिंगवे की सोल को निकालने के लिए आया है। यह सुनकर ड्रैगन किंग चिंग को लेकर वहां से उड़ जाता है, पर लुफेन किंग भी उनके पीछे पीछे आता है और फिर ड्रैगन किंग और लुफेन किंग में फाइट होने लगती है। फिर ड्रैगन किंग लुफेन किंग से कहता है कि अगर किसी ने लिंगवे की तरफ एक उंगली भी उठाया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस पर लुफेन किंग कहता है कि तुम एक मेड के लिए मुझसे फाइट करोगे? तब ड्रैगन किंग कहता है कि तुम क्या जरूरत पड़ी तो मैं पूरे हेवन से इसके लिए लड़ सकता हूँ। ये कहकर ड्रैगन किंग उस पेंडेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। चिंग भी लुफेन किंग को मुंह चिढ़ाकर चली जाती है। उसके जाने के बाद लुफेन किंग सोचता है कि आखिर उसे चिंग की हरकत पर गुस्सा क्यों नहीं आया। इतने में इमोर्टल ज़ियांग भी वहां आता है और उससे अपना पेंडेंट वापस मांगता है। इस पर लुफेन किंग बताता है कि वो पेंडेंट ड्रैगन किंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सुनकर इमोर्टल ज़ियांग थोड़ा नाराज होता है। तभी लुफेन किंग उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 2000 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था। इस पर इमोर्टल ज़ियांग कहता है कि हमारी दोस्ती को सिर्फ 1000 साल ही हुए हैं, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि उससे पहले तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ था, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो तो इमोर्टल ऑफ फेट से पूछ सकते हो। वहीं उधर लियांग लिंगवे को अपने कजन के साथ शादी करने के लिए मना रही होती है, पर लिंगवे कहती है कि वो एक मेड होकर अपनी मालकिन के भाई से कैसे शादी कर सकती है। तब लियांग उसे समझाती है कि फादर तुम्हें अपनी छोटी बेटी मानते हैं, इसलिए सब तुम उन पर छोड़ दो। और ड्रैगन किंग भी कहता है कि जियो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा जिसके साथ तुम खुश रहोगी। यहाँ पर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ ड्रैगन किंग इमोर्टल ऑफ फेट की बुक पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा था कि शांगो मेंशन की बर्बादी करीब है, लेकिन अगर लिंगवे जियो से शादी कर लेती है तो वो नेचुरल डेथ मरेगी। अब फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि ड्रैगन किंग लिंगवे को जियो से शादी करने के लिए मना रहा होता है, पर वो नहीं मानती। तब ड्रैगन किंग को उसकी मेमोरी डिलीट करनी पड़ती है। वो लिंगवे के माइंड से अपनी सारी मेमोरी डिलीट कर देता है और उनकी जगह जियो की मेमोरी डाल देता है, जिससे कि लिंगवे को ऐसा लगे जैसे कि वो ड्रैगन किंग से नहीं बल्कि जियो से प्यार करती थी और जियो भी उससे प्यार करता था। पर ये सब कुछ ड्रैगन किंग सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि लिंगवे खुशी खुशी जियो से शादी कर ले, लेकिन इस प्रोसेस में लिंगवे बेहोश हो जाती है, इसलिए ड्रैगन किंग उसे उसके बेड पर लाकर सुला देता है और चिंग को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो उसका पूरा ध्यान रखे, उसे खाने में जो चीजें पसंद है वो रोज लाकर उसे दे और उसे हमेशा खुश रखे। जब थोड़ी देर में लिंगवे को होश आता है तो वो सब कुछ भूल चुकी होती है, और जब चिंग उसे ड्रैगन किंग के बारे में पूछती है तब वो कहती है कि मैं इस बंदे से पहली बार मिली हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे मैं उसे पहले से ही जानती हूँ। अगले सीन में लिंगवे और जियो की शादी दिखाई जाती है जहाँ ड्रैगन किंग भी इनविजिबल फॉर्म में शादी अटेंड करता है, लेकिन वो बहुत उदास था क्योंकि उसे लिंगवे को खोने का दुख था और लिंगवे भी कुछ मिसिंग सा फील कर रही होती है। तभी स्काई में ओला स्टार अपीयर होता है जिसे देखकर सब लोग कहते हैं कि ये शादी बहुत शुभ है। तभी इसी के साथ लिंगवे को कुछ धुंधला सा याद आता है जब इसी होला स्टार के नीचे उसने ड्रैगन किंग के साथ पूरी लाइफ गुजारने का प्रॉमिस किया था और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर ड्रैगन किंग अपने इनविजिबल फॉर्म में उसके आंसू पोंछते हुए उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लिंगवे अपने हस्बैंड जियो के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है जहाँ उसे जियो के साथ हंसकर बातें करते देख ड्रैगन किंग को अच्छा नहीं लगता। वो समझ नहीं पा रहा था कि लिंगवे इतनी जल्दी किसी और को कैसे प्यार कर सकती है। तब चिंग उसे समझाती है कि आपने ही तो उसकी मेमोरी डिलीट की है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।